हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 9th इंग्लिश का फिक्शन 2 अ डॉग नेम ड्यूक ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लिखा है विलियम डी एलिस ने। चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिकली एक डॉग की स्टोरी है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक रखी है, वो एक मूवी की लिंक है, हाची को उस मूवी का नाम है, जो एक रियल स्टोरी है जिसके ऊपर ये मूवी बनी है। आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, इसे ज़रूर देखिए, बहुत ही कमाल की मूवी है। और इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट, ऐसी बातें हैं जिसे देखकर आई एम श्योर आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि डॉग की लॉयल्टी देखकर सचमुच वो काबिले तारीफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में है कि 1953 में हूपर एक बहुत फेवर्ड यानी सबका पसंदीदा, सबका फेवरेट यंग मैन था। एक बड़ी सी मुस्कान उसके कॉम्पिटिटिव नेचर को एट्रैक्टिव बना देती थी। वो 6 फीट 1 इंच लंबा था और वो यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम में कभी कभी खेला करता था। एक केमिकल कंपनी के लिए सेल्स मैनेजर का काम करता था। उसके लिए हर बात सही जा रही थी, यानी कि सब कुछ बिल्कुल सेट था। फिर ऑटम यानी कि पतझड़ की एक शाम को जब वो घर की तरफ गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था, तो एक कार बिना कोई वार्निंग दिए उसके सामने की तरफ अचानक आ गई। हूपर को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके दिमाग के मोटर सेक्शन में जोरदार हैवी ब्लीडिंग हो गया था, जिसके कारण उसकी लेफ्ट साइड पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। चक हूपर, ये हूपर का पूरा नाम है चक हूपर, के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में से एक मैनेजर चक हूपर की वाइफ मर्सी या मार्सी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लाया। उसका पति बोल नहीं पा रहा था, वो सिर्फ सांस ले रहा था और देख रहा था, और उसे देखने में सारी चीज़ें दो दो नज़र आ रही थी। मर्सी ने अपने एक पड़ोसी को फ़ोन किया, उसे ये कहते हुए कि ड्यूक यानी कि उनका कुत्ता उनको कैनल यानी कि डॉग हाउस में डाल दिया जाए। हूपर 1 महीने तक नाजुक हालत वाली क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ा रहा। 5th वीक के बाद उसकी कंपनी से कुछ आदमी हॉस्पिटल आए और उन्होंने हूपर से कहा कि वो 1 साल की छुट्टी ले ले। उन्होंने ये भी कहा कि उसके लिए हेडक्वार्टर से टेबल यानी कि डेस्क जॉब वाला कोई काम सजेस्ट कर देंगे। एक्सीडेंट के लगभग 6 वीक बाद हॉस्पिटल ने उसे एक व्हीलचेयर में बिठा दिया। हर दिन वहाँ कोई ना कोई होता उसकी पैरालाइज्ड आर्म एंड लेग्स को चलाने की कोशिश करता, उसके बाद नहलाता, एक्सरसाइज करवाता और एक व्हील वॉकर के सहारे उसे चलवाता। लेकिन चक हूपर में कोई कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा था। मार्च में उन्होंने चक हूपर को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। घर वापस आने की एक्साइटमेंट खत्म हो जाने के बाद चक में और भी ज़्यादा उदासी छा गई थी। हॉस्पिटल में वहाँ दूसरे इंजर्ड लोग भी थे, लेकिन अब हर सुबह जब मर्सी चुपचाप काम के लिए चली जाती तो ऐसा लगता था कि मानो दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया हो। ड्यूक अब भी कैनल यानी कि डॉग हाउस में था और चक अपने थॉट्स यानी अपने विचारों के साथ अकेला रह रहा था। फाइनली उन्होंने ड्यूक को घर वापस लाने का डिसीजन लिया। चक ने कहा कि वो उस टाइम खड़ा हुआ होना चाहता था जब ड्यूक घर में आएगा, इसलिए उन्होंने चक हूपर को खड़ा कर दिया। ड्यूक ने नाखून उसके 4 महीने बंद रहने की वजह से लंबे हो गए थे, और जब उसने चक को देखा तो वो 5000 वोल्ट की तरह कांपता हुआ खड़ा रहा। फिर उसने एक ऊंची गहरी आवाज निकाली यानी कि भौंका, अपने लंबे नाखूनों वाले गोल पैरों के घुमाया और अपने आप को 3 मीटर की हाइट जितना हवा में उछाला। वो 23 किलो वजन वाला खुशी की एक मिसाइल की तरह आया और बेल्ट के ऊपर की तरफ चक हूपर से जा टकराया।
जिससे चक को अपना बैलेंस रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, यानी कि मुश्किल होने लगी। वो लोग जिन्होंने ऐसा होते हुए देखा, उन्होंने कहा कि कुत्ता इंस्टेंट यानी कि बहुत ही जल्दी तुरंत जान गया था और दोबारा वो कभी चक के ऊपर नहीं कूदा। उस वक्त से उसने 2400 घंटे अपनी जगह अपने मालिक के बेड के पास ले ली थी, यानी कि वो 2400 घंटे ड्यूक अपने मालिक यानी कि चक ऊपर के बेड के पास लेटा रहता था। लेकिन ड्यूक की प्रेजेंस में भी चक ऊपर जो कोई मतलब कोई साधारण या कॉमन सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा था, कोई खास सुधार दिख नहीं रहा था। वो मसल्स जो किसी टाइम लोहे जैसे हुआ करते थे, अब एक दुबले पतले ढांचे के ऊपर ढीली ढीली सी पड़ी हुई थी। मन ही मन में मर्सी रो दिया करती थी जब वो उस लंबे चौड़े आदमी की बड़ी सी मुस्कुराहट को गायब होते हुए देखती थी। तब चेहरे के ऊपर सीमेंट की तरह कड़क लाइन बन जाती थी जब चक ऊपर टकटकी लगाए घंटों तक छत की तरफ देखता रहता, फिर खिड़की से बाहर की तरफ देखता रहता और फिर ड्यूक की तरफ भी वो देखता। जब दो व्यक्ति लंबे टाइम तक हर दिन एक दूसरे को लगातार टकटकी लगाए देखते रहते हैं और एक हिल नहीं सकता और दूसरा बोल नहीं सकता, यानी कि चक ऊपर उसकी सिचुएशन ऐसी है जो वो हिल नहीं सकता और दूसरा ड्यूक एक कुत्ता जो बोल नहीं सकता, तो एक रुबाहट शुरू हो जाती है, यानी कि एक बोरनेस जिसे हम कहते हैं ना, वो बोर हो जाते हैं। फाइनली ड्यूक से ये सहन नहीं हो सका। फर्श पर पड़ी हुई एक मोशनलेस कॉइल वाले अपने रूप को छोड़ते हुए वो उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, बेसब्री से कांपता हुआ, और उसने यारुफ, वो जैसे कुत्ता भौंकता है ना वैसे, लेट जाओ ड्यूक। ड्यूक बहुत नाराज हो गया, चलता हुआ बेड के पास आया, अपनी तीखी नाक को चक हूपर की कोहनी के नीचे को धकेल दिया और ऊपर को उठाया। वो धकेलता रहा, परेशान करता रहा और फुरफुराता रहा, ड्यूक जाओ और घर के आसपास भागो, यहां से जाओ। लेकिन ड्यूक नहीं जानता है, उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता है। वो चक ऊपर की तरफ डांटते हुए एक्सप्रेशन वाली आंखों से देखता हुआ लेट जाता है। एक घंटे बाद वो फिर से बेड के पास आ जाता है और वो भौंकता है और धकेलता है। वो वहां से जाता नहीं था, लेकिन फिर सिर्फ वहां बैठा रहता था। एक शाम को चक ऊपर के हेल्दी हाथों ने वैसे ही ड्यूक के कॉलर में पट्टा डाल दिया। उसे टिका रहने के लिए उससे एक फ्यूज में बिजली के जैसा असर हुआ। ड्यूक ने अपनी स्टाइल में नाचते हुए वो खड़ा हो गया और अपने आप को यू शेप में तैयार कर लिया। इसके बाद उसने जो किया उसको चक ऊपर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। उसने मर्सी से उसे खड़ा रहने में मदद करने के लिए कहा। किसने? ड्यूक ने इशारा किया। ड्यूक उछल कर कूदने लगा। चक को अपना बैलेंस बनाए रखने में स्ट्रगल करना पड़ा। अपने हेल्दी हाथों के साथ उसने पट्टे को अपने बाएं हाथ में रख लिया और पैरालाइज्ड उंगलियों को इसके ऊपर टिका दिया। उंगलियों को वही पकड़ते रखते हुए फिर वो आगे को झुक गया, जैसे कोई वो स्टेप लेने की कोशिश कर रहा हो। जब मर्सी ने उसे कोहनी से पकड़े हुए सहारा दे रखा था, तो उसने अपनी राइट लेग आगे की तरफ बाहर को बढ़ा दी, यानी कि वो स्टेप ले रहा था। अपनी राइट लेग को सीधा करने से उसका लेफ्ट लेग आगे को घसीटता हुआ आगे आया और राइट लेग के साथ आकर टिक गया। इसे एक्स यानी कि वन स्टेप यानी कि एक कदम कहा जा सकता था।